Welcome to my channel. Today I'm going to tell you common error in maths part 13, area of circle and circumference of circle. देखो बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने खुद नोटिस किया हुआ है. जब एरिया ऑफ सर्कल बोला जाता है तो बच्चे सर्कमफेरेंस निकाल देते हैं, और जब सर्कमफेरेंस बोला जाता है तो वो एरिया निकाल देते हैं. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करो. आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस मान लो 7 मीटर है. अब आप इसका सर्कल का एरिया निकालो और इसका सर्कमफेरेंस निकालो और मैच करो कि आपने सेम निकाला है. मैं वेट कर लेता हूँ, आप आराम से, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से सोल्व करके देख सकते हो कि इसका एरिया और इसका सर्कमफेरेंस क्या निकलेगा. बच्चे इन दोनों के फॉर्मूले में ही गलती कर देते हैं, एरिया वाले में सर्कमफेरेंस का लगा देते हैं और उसका सर्कमफेरेंस वाले में एरिया का. तभी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो. देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर. अगर आपने किया है तो आप मैच कर लीजिए, अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो वो भी मैच करके ठीक कर लीजिए. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर मतलब 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर, इसका आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वेयर. और सर्कमफेरेंस का होता है 2πr. पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है. 10 मैंने वैल्यू पुट की और इसका आंसर निकाल लिया. तो आप इस बात को ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है. आप इसका फॉर्मूला सेम नहीं लगाएंगे और एग्ज़ाम में, और इसका ध्यान रखेंगे कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर और सर्कमफेरेंस का होता है 2πr. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.